हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीके वर्ल्ड। बीके वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए बहुत एक सुंदर बुलेट डॉग। आप देखोगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलो शुरू करते हैं, अपने दिखाते हैं आपको जल्दी से, आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको बहुत अच्छे एक बुलेट डॉग दिखाते हैं। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाई साहब। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। रविंदर कुमार भाई साहब। आप कहाँ से हैं? मैं विजयनगर तहसील 43 GB डाणी से, श्री गंगानगर जिला। राजस्थान में है ना? हाँ जी, राजस्थान में। तो आपके पास कौन सा बुलेट हो गया, दिखाइए हमें। ये जा भाई साहब, रोज लाइन से है, देखो मदर साइड है, जेनी मलंगा की बच्ची। अच्छा अच्छा अच्छा, पूरी मतलब पाकिस्तानी, मतलब मदर फादर दोनों से पाकिस्तानी ब्लड है इसमें। मोती का बच्चा जी, रोज का बच्चा, मोती एंजलो रोज का बच्चा ना, और मदर है इसकी जेनी और मलंगा की बच्ची। चलो भाई साहब का डॉग देखते हैं। आज व्यूअर्स डॉग दिखाते हैं आपको। चलो ये डॉग है व्यूअर्स, देखो आप, बहुत अच्छी हाई टेंथ में है, बहुत अच्छा सुंदर डॉग है, वाइट और ब्लैक स्पॉट्स में। इसकी आप क्वालिटी देखें, आपको खुद को समझ आएगा। इसकी स्किन क्वालिटी देखें आप, इसकी बेल देखें, बेल हमारे मतलब देसी भाषा में बोलते हैं हम इसको, अपने लेंथ बोलते हैं, लंबाई सिर से लेके पीछे पूंछ तक उसको बेल बोलते हैं अपने। और ये भाई साहब मुझे वो रे फीमेल है, इसकी लाइन क्या भाई साहब फीमेल की? ये पंकज भाई साहब वाला कालू है ना, इम्पोर्ट उसकी बच्ची है, माँ इसकी जेनी मलंगा की बच्ची है इम्पोर्ट की। अच्छा, ये भी पूरी इम्पोर्ट लाइन से है पूरी। तो देख लो आप सभी, बस देख ही रहे हैं भाई साहब को, पूरे बहुत सुंदर कलेक्शन है इनका बुली का, आप देख ही पा रहे हैं पूरा एकदम। फीमेल भी बहुत सुंदर है, मेल भी बहुत सुंदर है, भाई साहब का शौक साफ दिख रहा है एकदम। बहुत अच्छी तरह उन्होंने तैयार कर रखा है अपना डॉग, पूरा लवेबल पेट है, आप उनके साथ देख सकते हैं पूरे मतलब कैसे ये सब एकदम, कितना ये आपस में, इनका आपस में प्यार है जो अपने बुली डॉग्स के प्रति। तो पूरा आपको एरिया दिखाता हूँ, ये पूरा एरिया एकदम बढ़िया है, खेती होती है यहाँ पे बढ़िया एकदम। ये अपनी गाड़ी है इधर अपने, बहुत अच्छा है मतलब। इसका भाई साहब नाम आपने नहीं बताया। यूरी नाम है भाई साहब इसका, यूरी नाम। अच्छा अच्छा अच्छा, यूरी। इसका यूरी पे गुस्सा आ रहा है थोड़ा, क्योंकि मैं थोड़ा अनजान हूँ अभी। देखो सीधी सी बात है, मैं तो आज 17 महीने भाई साहब, थोड़ा माइक से इतना दूर आवाज़ नहीं जाएगी, आप थोड़ा सा इधर आ जाइए, थोड़ा लोग से थोड़ा सा। अभी आपके सामने पूरा यंग डॉग है, 17 महीने का पूरा डॉग है, और कद काठी आपके सामने है ही। जब उसका हेड फेस देखो इस तरह, इसकी मजल पूरा एकदम परफेक्ट मार्किंग है, दोनों कानों पे, आधे फेस पे ब्लैक, मतलब जैसे कोई ट्रेयर होते हैं इस टाइप की बुली। और स्किन पे ब्लैक स्पॉट, बहुत कम बुलीज में ज़्यादातर आपने देखा होगा बहुत कम बाल होते हैं। और भाई साहब इसके बारे में बताओ, ये मतलब इसका नेचर किस टाइप का है? ये फ्रेंडली है, बस घर में रखते हैं बच्चों की तरह साथ में, बिल्कुल मिल के रहता है हमारे साथ में। चलो बहुत अच्छी बात है एकदम, मतलब ये मिट्टी खोद रहा है एकदम खुद के लिए। ये कोई खुले एरिया में यही है मेनली इनकी, खुद की वर्कआउट भी अच्छा होता रहता है, और इनकी बढ़िया एक्सरसाइज होती है, पंजे वगैरह इनके सही रहते हैं एकदम, खुद भी इनका वर्कआउट हो ही जाता है मतलब। ये वैसे इसका वर्कआउट वगैरह कैसे करवाते हो आप? 2-3 किलोमीटर तक ले जाते हैं खुला, ज़्यादा नहीं घुमाते, या 10-15 मिनट पानी में ले लेते हैं खुले में। पानी का आपका यहाँ पे कोई इनका लिए कुछ बना हुआ है पानी के लिए इनके? इधर भी है दोनों साइड में। अच्छा, फिर तो बहुत अच्छी बात है, मतलब यहाँ पानी की टिक्की बनी हुई है, उसमें जो पानी अपने खेती में काम आता है उसके जो जो आप इकट्ठा करते हैं उसके अंदर? हाँ जी हाँ जी, उसके अंदर ही। चलो फिर तो बहुत अच्छी, मतलब पूरी स्विमिंग वगैरह सब करते हैं? हाँ जी बिल्कुल सही करते हैं। मतलब सुनने में आया कि स्विमिंग से इनका वर्कआउट, मतलब इनकी अच्छी वर्कआउट हो जाती है, वर्जिश हो जाती है इनकी स्विमिंग से, स्टेमिना अच्छा रहता है। चलो बहुत अच्छी बात है भाई साहब, बहुत अच्छी बात है। अभी हमारे बहुत से सवाल हैं, हमारे व्यूवर्स भी जानना चाहते हैं, उन सब के जवाब आपको थोड़ा सा परेशान करेंगे आप, उसके लिए हमें माफ़ करना पड़ा। लोग अभी रेस्ट कर रहे हैं, अभी टाइम तो लगभग शाम के 6 बजे हैं मेरे हिसाब से, थोड़ी राजस्थान में अभी बारिश भी है। व्यूअर्स डॉग देख सकते हैं आप, हाँ भाई सब डॉग के थोड़े साथ आके इसका
नीचे बैठ के फोटो भी ले दिला सकते हो। देख लो व्यूअर्स एकदम फैमिली नेचर है इसे। वैसे अभी मुँह में हाथ डाल के देखो काटता थोड़ी है। देखो यही बुल्ली की क्वालिटी है, मतलब ये एकदम वफादार होते हैं। मतलब कुछ बहुत से लोगों ने गलत फहमी फैला रखी है कि बुल्ली डॉग है ना एग्रेसिव होते हैं, वो ना फैमिली मेम्बर्स को काट लेते हैं। ये सब एक ब्रांड तो चीज़ देखी होती है ना, उसी पर विश्वास करो बस। ऐसे किसी की सुनी सुनाई बातों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। हमारा मेन मोटिव है चैनल का कि बुल्ली ब्रीड को प्रमोट करना, लोग बुल्ली ब्रीड के बारे में मतलब जो सही सच्चाई है वो जाने। ये नहीं है कि लोगों ने फैला रखा है बुल्ली तो एग्रेसिव होता है, फाइटर डॉग होता है। हाँ कुछ लोग फाइटों में यूज़ करते हैं, पर वो हम भी उनके खिलाफ है फाइट के, तो एकदम हम खिलाफ हैं। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि फ़ाइट करवाए कोई भी, क्योंकि हम भी डॉग लवर हैं और एक फ़ाइट करवाना डॉग के साथ अत्याचार करने के बराबर है। देखो ये डॉग मेरे को देख रहा है कि ये मेरे पास में करी फ़ोन लेके क्यों आया है यार। चलो भाई साहब इधर आओ, इसे और बहुत सारी बातें करनी है आपसे। और इसके डाइट वगैरह के बारे में क्या है, मतलब आप अपने क्या? सुबह 1.5 किलो दही, अच्छा, दोपहर में 0.5 लीटर दूध की कच्ची लस्सी और शाम को 1 लीटर दूध में रोटी। अच्छा अच्छा अच्छा। कुछ लोग बोलते हैं कि दूध ना डॉग के लिए अच्छा नहीं होता, तो जैसे आप दे रहे हो तो कोई इसमें दिक्कत थोड़ी है दूध में? नहीं नहीं वो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा पतला करके दूध डालते हैं, वैसे नहीं डालते। पतला कैसे करते हो? बहुत से लोगों को नहीं पता। नॉर्मल पानी डालते हैं ना थोड़ा बहुत इसके अंदर। अच्छा दूध में थोड़ा बहुत पानी डाल के उसको सेट करके उसको देते हो? हाँ जी हाँ जी। चलो देख लो व्यूअर्स, आपको बहुत सी बातें सीखने को मिलेगी यहाँ से, क्योंकि जो एक्सपीरियंस बंदा होता है वही आपको सारी बातें बता पाएगा कि डॉग के अंदर मतलब उसको। अब शहर में डॉक्टर्स बोलते हैं आपको, देखो डॉक्टर्स ने सबने ये देसी ब्रीड अपने इंडिया की नस्ल है ये, और इंडिया में जो डॉग्स हैं उनके अंदर की इम्यून सिस्टम, उनके सहन शक्ति, उनके पचाने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। अब ये फॉरेन ब्रीड है जैसे रोटविलर, जो मतलब मैं हमेशा रोटविलर को टारगेट इसलिए करता हूँ क्योंकि रोटविलर को बुल्ली से कंपेयर करते हैं बहुत से लोग। बड़े बड़े डॉक्टर्स बोलते हैं कि रोटविलर अच्छा होता है बुल्ली से, पर ये सब बकवास होती है, उन्होंने कभी बुल्ली देखे नहीं होते। बुल्ली बहुत रेयर है, बुल्ली ऐसे नहीं है राजस्थान में हमारे बुल्ली भरे पड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे नहीं है कि राजस्थान में हमारे बुल्ली बहुत भरे पड़े हैं, हमारे बुल्ली भी मतलब राजस्थान में जैसे एक इस जगह है तो दूसरा उससे बहुत दूर होता है, आसपास होते नहीं जल्दी से बुल्ली कोई। नहीं सर यही 5-10 किलोमीटर की दूरी पे मिलते हैं। हाँ मतलब एक बुल्ली यहाँ पे तो दूसरा बुल्ली को दूसरे गांव में होगा, और एक आधे गांव में एक दो बुल्ली। बताओ आप हमारे व्यूअर्स को कि बुल्ली ब्रीड रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, इससे बेटर कोई डॉग हो सकता है नहीं है, उसके बारे में बताओ आप। बिल्कुल रखनी चाहिए, रखनी क्यों नहीं चाहिए। आपको इस ब्रीड के अलावा कोई और ब्रीड पसंद है? नहीं मेरे को और कोई ब्रीड पसंद नहीं है, सिर्फ बुल्ली पसंद है अपने को। हाँ मैं ये सवाल मैं इसलिए पूछा है मैंने व्यूवर्स, क्योंकि मेरे को खुद को ऐसा लगता है कि बहुत से जो बुल्ली लवर है ना उनको सिर्फ बुल्ली ही पसंद है। अब देखो ये अभी ये फीमेल इसके साथ है, ये फीमेल अभी 4 महीने की है। दोनों की मदर, इनकी मदर है ना, दोनों की दोनों बहनें हैं। और अभी इन्होंने बताया मेरे भाई साहब ने कि ये जो दोनों ये है इनकी जो मदर है दोनों रियल सिस्टर्स हैं, और इनके फादर दोनों अलग अलग हैं। इसका अपने यूरी का फादर का नाम क्या है? मोती है, पाक इंपोर्ट रोस और इंपोर्ट एंजल का बच्चा है मोती। हाँ भाई साहब ने बताया कि पाक इंपोर्ट रोस और पाक इंपोर्ट एंजल उनका बच्चा है मोती, उसका बच्चा है यूरी। मदर है इसकी इंपोर्ट जेनी, इसकी मदर की माँ। अच्छा और यूरी की मदर कौन सी है भाई साहब? इंपोर्ट जेनी और मलंगा की बच्ची है, इंपोर्ट है। हाँ वो मतलब टोटल ये एक तरह से ब्रीड इन इंडिया है और बाकी प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान है। देखो पूरा इसमें लाइन पूरी पाकिस्तान की है और ये बस ब्रीड इंडिया में हुआ है, मतलब पूरा लाइन वही है। मतलब जो पुराने पाकिस्तान में क्या बुल्ली हमेशा से रखते आ रहे हैं, उनका पुरानी लाइन के डॉग है, उनके पास अच्छी अच्छी लाइन के हैं। मोती की भी भाई साहब मतलब अपने उसकी भी पाकिस्तान में अच्छी खासी लाइन है। हाँ रोज़ का बच्चा है, रोज़ इंडिया में है, रोज़ इंडिया में है, रोज़ की अच्छी लाइन है। हाँ जी हाँ रोज़ की पुरानी लाइन से है। और वैसे भी ब्लैक फीमेल इसके बारे में बता दो हमारे कुछ व्यूवर्स इसके बारे में जानना चाहेंगे, इसकी उम्र कितनी होगी ब्लैक फीमेल की? 4 महीने 2 दिन हुई आज। तो ये देख लो फ्रेंड्स अभी 4 महीने 2 दिन मतलब 120 और 122 दिनों की फीमेल है ये आपके सामने है इसकी पूरी। अब व्यूवर्स आप मानो चाहे मत मानो ये वीडियो के अंदर आपको जितने छोटे लग रहे हैं ना असली में ये उससे 100 गुना बड़े हैं। आप देखोगे तो नॉर्मल से डॉग लग रहे हैं, इसको आप अपनी आंखों से देखोगे ना आपको विश्वास नहीं होगा इतने बड़े हैं ये। फ़ोन में फिर भी इस कैमरे में पता नहीं छोटे आ रहे हैं बड़े आ रहे हैं मेरे को इससे नहीं पता, फिर भी मतलब बुल्ली इसका पूरी जो क्वालिटी होती है ना फ़ोन के अंदर शो नहीं हो सकती। आपको एक बार आप खुद बुल्ली रखोगे तो ये बहुत बिग जॉइंट साइज़ होते हैं।
भाई साहब मैं चाहता हूँ कि आप इस डॉग को एक गाड़ी के बराबर लगा के दिखाओ, जिससे लोगों को, क्योंकि लोगों को घर में गाड़ी तो होती है, तो मैं चाहता हूँ कि उससे आप अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना बड़ा डॉग होता है बुलिया। देखो फ्रेंड्स, अभी हमारे बोलने पर भाई साहब ये कर रहे हैं, हम आपको दिखाने के लिए करा रहे हैं, ये हमें तो पता है देखो क्या साइज़ है, पर एक बुली का साइज़ का असली मालूम पड़ेगा वो जब एक गाड़ी के बराबर खड़ा होगा ना। अब जैसे ये ब्रेज़ा गाड़ी है, सबको अंदाज़ा है कितनी बड़ी, मतलब क्या साइज़ है सबको पता है, तो मैं चाहता हूँ भाई साहब इसको एक गाड़ी के पूरी आगे से लेकर पीछे तक की इसकी पूरी लेंथ एक गाड़ी के बराबर खड़ा हो जाएगा ना, उससे पता चल जाएगा लोगों को कितना बड़ा डॉग है। ऐसा मैं चाहता हूँ इस तरफ लगा लो चाहे आप इसको, इस तरफ साइड से इसकी क्या पूरी लेंथ का मेरे हिसाब से मालूम पड़ जाएगा डॉग का। अब देख लो, हाँ इधर सामने से कर लो वैसे इसको, इसमें जोर बहुत है भाई साहब, बहुत जोर है। इसने थोड़ा दूर कोई दूसरा डॉग देख लिया, इसको गुस्सा आ रहा है उस डॉग पे। बावर देख सकते हो आप, हमारे भाई साहब ने पूरी जान लगा रखी है, फिर भी कंट्रोल में, मतलब अब ये तो चलो इनके हाथ से कंट्रोल है, जैसे कोई और पकड़े तो वो तो खींच के ले जाए इसको आराम से। पूरे देखो लेंथ इसकी पूरी, दूसरे डॉग को देख कर तो रोब अलग ही आता है कुत्ते के अंदर। देखो फ्रेंड्स, देखो आप एकदम कितना गुस्सा आ रहा है, देखो इसकी आवाज़ देखो कितनी वाउंड है। देखो यहाँ से देखो आप, हाँ एक बस, बहुत सुंदर डॉग है, बहुत सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, नज़र ना लगे किसी की इसकी, बहुत सुंदर डॉग है, ये सब मेहनत का कमाल है। देखो बुली लवर्स, बुली पालना एक नशे के बराबर है, मैं तो ये मानता हूँ, नशा मतलब एक अच्छा नशा, अच्छा नशा। इसकी आप आवाज़ सुन सकते हो व्यूअर्स, देखो इसको पास से दिखाता हूँ आपको मैं, बस बस बस, यूरी बिग बॉय, बिग बॉय, आप तो इसका बिग व्यूअर्स, आप बताना कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा डॉग ये, मेरे को तो बहुत पसंद आया, बहुत पसंद आया अपने को तो डॉग ये, बहुत पसंद है, और मेरे हिसाब से सभी डॉग लवर्स को ये अच्छा लगेगा डॉग। और भाई साहब बहुत मेहनत करनी पड़ रही है इसको पकड़ने के लिए, दूसरे डॉग को देख के थोड़ा गुस्से गुस्से में आ गया। चलो भाई साहब इसको बांध दो आप, आओ कूल बॉय, कूल कूल कूल, देखो पीछे से देखो इसको, बहुत ज्यादा लंबाई है इसकी, और भाई साहब क्या राय देना चाहे वो लोगों को, मतलब ब्रीड ये बेस्ट रखी है रखे। हाँ जी भाई साहब बिल्कुल, मैं तो यही बात कह रहा हूँ हमारे भाई को, तो रखे तो बुली रखे, और अच्छा मेहनत करके तैयार करके रखे, वैसे ना रखे कोई। हाँ ये तो सही बात है एकदम, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं इनकी डाइट होती है, डाइट इतनी ज़्यादा तो नहीं होती मेरे हिसाब से, डाइट तो मतलब अपने नॉर्मल आदमी दे सकता है डाइट इनको। हाँ बिल्कुल दे सकता है, कुछ लोग बोलते हैं इनकी डाइट ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डाइट होती है, वैसे कुछ थोड़ी है भाई साहब, आदमी से ज़्यादा थोड़ी होती है इसकी डाइट। हाँ फिर तो सही है एकदम, ये तो बहुत अच्छी है, मतलब एक लोग बोलते हैं कि इतने बड़े बड़े कुत्ते इनको इतना खाना कौन देगा, तो जो शौक होता है देखो उसकी कोई कीमत भी नहीं है, और जो शौक होता है वो अपने आप खाना देता ही है फिर वो। बिल्कुल भाई साहब, जो शौक करेगा वो खाना भी देगा, सब कुछ करेगा। आप इसको दे रहे हो, इसको सुबह एक डेढ़ लीटर देते हो क्या? हाँ क्या देते हो? सुबह डेढ़ लीटर दही, दोपहर में आधा लीटर दूध की कच्ची लस्सी, अच्छा, और शाम को एक लीटर दूध के अंदर रोटी। इतना तो एक नॉर्मल आदमी, जैसे नॉर्मल जो शौकीन आदमी है, जैसे मतलब एक कोई खर्चा देखो इसको लगता है इन चीज़ों में भी, जैसे कई लोग हमारे शहर में रहते हैं तो वो सब खरीद के लेंगे, तो वो तो देखो शौक करेंगे, तो आज पेडिग्री फूड भी दोगे किसी डॉग को आप, तो वो भी पैसे बिना तो वो भी नहीं आएगा, तो एक तरह से मतलब इतना महंगा कोई, मतलब इतना महंगा शौक, मतलब ऐसे नहीं है कि जैसे
कोई रख नहीं सकता पैसे की वजह से, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत से शौकीन लोग रखते ही हैं। अब भाई साहब ने देखो एकदम, मतलब ये पूरा एरिया देखो आप, एकदम शौक की कोई कीमत नहीं है यहाँ पे, मतलब खुली जगह में एकदम बढ़िया भाई साहब ने पूरा शौक कर रखा है। और ये डॉग वैसे भाई साहब कहाँ से लेके आए थे बताओ आप? मैं लेके आया था पंजाब से, अपने भाई साहब है, मित्र है जसन भाई साहब। अच्छा अच्छा, उनसे लेके आए थे। और वो यहाँ से पंजाब में कौन सी जगह, कितने दूर है यहाँ से? यहाँ से 150 किलोमीटर पड़ता है, दलवीर खेड़ा गाँव है पंजाब में। अच्छा अच्छा, अब देख लो आप सब लोग व्यूवर्स की, ये भाई साहब यहाँ से 150 किलोमीटर दूर जाके ये डॉग लेके आए हैं। तो ये शौक आदमी को कहाँ से कहाँ ले जाता है, नहीं आप खुद सोच के देख लो। ये मतलब उनको पता है ये अच्छी ब्रीड का डॉग वहाँ पे है, तो वो खुद वहाँ जाके लेके आए हैं। पहले मेरे पास में इसका भाई था एक ब्लैक कलर में, 9 महीने का था वो, तो वो एक्सपायर हो गया। पहले भाई साहब बता रहे हैं कि इनके पास इनका इसका एक रियल ब्रदर था, इसका रियल भाई भी था, वो इन्हीं के पास था, वो एक्सपायर हो गया था। फिर ये आप फिर बड़ा लेके आए थे क्या भाई साहब? अभी लेके आए हूँ, 3 महीने ही हुए मेरे को। आप देख लो व्यूअर्स, एकदम ये एकदम बढ़िया सेट हो गया इनके साथ, 3 महीने इनके साथ हुए हैं। इनकी बढ़िया एक आपस में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, मतलब आपस में दोनों ओनर और डॉग दोनों आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते हैं भाई साहब। ये तो देखो आपकी मेहनत है, आपका पूरा शौक है, तब जाके डॉग तैयार हुआ है देखो, और पूरा एकदम फिट फाइन कर रखा है आपने एकदम इसको। घर की नॉर्मल डाइट पे कई लोग बोलते हैं नॉन वेज देना और ये देना और ये सब, मैं नहीं देता हूँ भाई साहब कभी नॉन वेज, नॉर्मल देसी डाइट पे डॉग तैयार है, इसको बिल्कुल नॉन वेज नहीं दिया हुआ इन्होंने, एकदम घरेलू जो भी चीज़ें घर पे मिलती है उन सब चीज़ों से तैयार करा हुआ डॉग है भाई साहब। बस आपसे आखिरी सवाल हो रहा है, हमारे बारे में जो बीके बर्ड अपना चैनल है यूट्यूब पे, उसके बारे में आपकी राय बताओ, क्या राय है? बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो भाई साहब आप, क्योंकि आपको यहाँ ये देख के चैनल को देख के आगे से आगे शौक शिकार बढ़ रहा है लोगों का, बहुत अच्छा काम है ये। चलो भाई साहब बहुत बड़ा आपका आभार हो, और प्लीज़ जो नए व्यूवर्स हैं वो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हम आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो लेके आएंगे। चलो भाई साहब राम राम, ख़त्म करते हैं अपने वीडियो। ओके।